ये खबरें हैं बाकी खबरों से जरा हटकर। शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ से आई हैरान कर देने वाली खबर से, जहां एक अनोखा नजारा देखने को मिला। क्या गधा सांप को खा रहा है? लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल घास खाते वक्त एक सांप गधे के दांतों में फंस गया। गधे ने सांप से छुटकारा पाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो ना निगल पा रहा था और ना उगल पा रहा था। गधा बार बार गर्दन हिलाकर अपने दांतों में फंसे सांप को फेंकना चाह रहा था, लेकिन वहीं सांप भी दांतों के बीच से निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसी बीच सांप ने गधे को डस लिया। 2-3 घंटे बाद सांप के काटने से गधे की मौत हो गई, वहीं सांप भी मारा गया। इस जद्दोजहद में दोनों की मौत हो गई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख के एक दिन पहले धरती की तरफ से एक एस्ट्रोनॉइड आ रहा है। ये छोटे फ्रिज के आकार का है। वैसे तो इसके धरती से टकराने की कोई आशंका नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से ये दिशा बदलकर धरती की तरफ आ जाता है तो खतरा हो सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया कि इस एस्ट्रोनॉइड का नाम 2018 VP1 है। यह एस्ट्रोनॉइड करीब 6.5 फीट लंबा है। धरती पर इसके आने की आशंका सिर्फ 0.41% है। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि इसके धरती में आने पर उसके वायुमंडल के साथ नष्ट होने की भी संभावना है। 3 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव है, उसके ठीक एक दिन पहले यह एस्ट्रोनॉइड धरती के बगल से निकलेगा। धरती के बगल से निकलते समय इसकी दूरी कितनी होगी ये बता पाना अभी मुश्किल है। अमेरिका के एक नेशनल पार्क में 100 साल से ज्यादा समय के बाद वो जानवर देखे गए हैं जिन पर अब तक सैकड़ों हॉलीवुड फिल्में बन चुकी है। इस नेशनल पार्क के प्रबंधन ने इस जानवर के समूह का एक वीडियो जारी किया है। इनमें ये मांसाहारी जीव हरियाली और बर्फ के पास घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में आपने किरदार सुना होगा वुल्वरीन। जी हाँ, इन्हीं जीवों का एक समूह 100 सालों से ज्यादा समय के बाद वॉशिंगटन स्थित माउंट रेनियर नेशनल पार्क में देखा गया, जिसका वीडियो ट्विटर पर वायरल है। न्यूज़ तक ब्यूरो।